अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि यार लिमिट्स चैप्टर और कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में मुझे डिफरेंस बताओ। लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एक फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए के ऊपर लिमिट की बात करना और कॉन्टिन्यूटी की बात करना, दोनों में फर्क मुझे बताइए, सोचिए जरा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार एक फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए के ऊपर लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप जरा सोचिए। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं, बड़ा मजा आएगा मुझे ग्राफ बनाने में। आप सोचिए जरा, एक्स इक्वल टू ए के ऊपर एक फंक्शन की लिमिट में और कॉन्टिन्यूटी में क्या फर्क है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाय, एक ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये ग्राफ आपको क्लियरली बता देगा कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एंड कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए में क्या डिफरेंस है। सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया मैंने, फंक्शन है मेरा एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया मैंने, मुझे आप बस इतना बता दें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स कितना है, पहले मुझे बता दें, और बता दें एग्जिस्ट कर रहा है क्या। बिल्कुल कर रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स का मीनिंग है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स का मीनिंग है एक्स इक्वल टू ए के नेबर में फंक्शन की वैल्यू, एक्स इक्वल टू ए के नेबर में फंक्शन की वैल्यू माई डियर फ्रेंड्स एल्फा है और एक्स इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बीटा है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू एल्फा होगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए के नेबर में फंक्शन की वैल्यू को लिमिट्स बोलते हैं। क्लियर है? सो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू को हम लिमिट्स बोलते हैं, लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। समझ में आ रही बात आपको? कॉन्टिन्यूटी क्या है फिर? पर लिमिट का तो आइडिया लग गया, लिमिट तो क्या है? स्टडी ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड, है ना, स्टडी ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। स्टडी ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। क्लियर है? कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए एज वेल एज एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन की स्टडी नेबरहुड के साथ साथ इस पॉइंट पे भी करना, उसको कॉन्टिन्यूटी में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेबर के साथ ये बिंदु भी तो साथ में होना चाहिए, तभी तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी आएगी।
तो कॉन्टिन्यूटी समझने के लिए x इक्वल टू ए के नेबर्स और x इक्वल टू ए तीनों को समझना होगा, और लिमिट्स को समझने के लिए सिर्फ नेबर्स की ही जरूरत होती है, नेबर्स की ही स्टडी हम लिमिट में करते हैं। सिर्फ नेबर्स की स्टडी करना लिमिट है, नेबर्स के साथ साथ इस पॉइंट की स्टडी करना कॉन्टिन्यूटी है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए है ना कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए एज वेल एज द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मैं ये बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे, क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। लिमिट में हम सिर्फ नेबरहुड की स्टडी करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी में नेबरहुड के साथ साथ इस पॉइंट की भी स्टडी करते हैं, ठीक है।